खबर शुभिलाई, आपकी खबर तेजसर। समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा आज बस्ती पहुंची। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बस्ती जिले में घगौआ से यात्रा की शुरुआत की। जिले की हरैया विधानसभा क्षेत्र से बस्ती सदर विधान विवाह मंडप पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। यात्रा का सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में जगह जगह स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर यह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य खेत खलिहान बचाओ, युवाओं को रोजगार दो है। यह यात्रा का 12वां जिला है। जिस तरह से किसानों नौजवानों की भीड़ बढ़ रही है, जनता बीजेपी से नाराज है। जब से बीजेपी सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। कोरोना काल में लेकर अब तक बीजेपी के बद इंतजामी की वजह से जनता परेशान है। बीजेपी ने किसानों नौजवानों को धोखा दिया है। कहा कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अभी तक पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। 15,000 करोड़ गन्ने का भुगतान बकाया है। कहा MSP देंगे। 92% किसानों को MSP नहीं मिल रही है। हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नहीं कर रही है। इसलिए हमने किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है और 2022 की हमारी तैयारी बूथ स्तर पर है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? हम अखिलेश यादव जी के सरकार की उपलब्धियों पर और अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व पर, समाजवादी नीतियों पर जनता का आशीर्वाद पाएंगे और जनता का आशीर्वाद पाकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हाल ही में बसपा ने पूरे प्रदेश में घूम घूम के प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया, ब्राह्मणों को काफी रिझाया। अब जो अन्य दल हैं वह भी शुरू कर रहे हैं, भाजपा शुरू कर रही है, ऐसे में क्या लगता है? मैंने पहले ही कहा कि हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ चुनाव लड़ना, रैली करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, सम्मेलन करना, अपनी बात कहना, यही डेमोक्रेटिक पैटर्न है। 75 साल की आजादी में जो हमारे देश के पारंपरिक कुटीर उद्योग थे, उनको भी कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर तहस नहस कर दिया। हैवी इंडस्ट्रीज लगाकर हाथों को बेकार कर दिया। उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। अगर हाथों को काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी तो हिंसा बढ़ेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जाता है। MSP के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में कहा था, MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, इसी बात की तो गारंटी किसान चाहता है कि आप गारंटी दे दो कि किसी किसान का, अगर आपने MSP 1975 रुपये गेहूँ किया है, 1865 रुपये धान की किया है, तो सबको दे दो, इस बात की गारंटी दे दो कि सबका गेहूँ सबका धान जो हमने सरकार ने न्यूनतम मिनिमम कम से कम दाम आपने तय किया है तो आप सबको दिला दो। ये तो किसान चाहते हैं। अगर इसकी गारंटी दे दे तो जो किसानों के ऊपर पानी की बौछार होती है, किसानों के ऊपर लाठी की बौछार होती है, किसानों के ऊपर लाठी चलती है, पानी की बौछार होती है, आंसू गैस के गोले छाड़े जाते हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, उनके रास्ते में कीले गाड़े जाते हैं, तो वो किसान, जिन किसानों के परिवारों ने इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के किसानों को लामबंद करके गांधी जी को सहयोग दिया और भारत में हमारे आज़ादी आई और आज़ादी के बाद हमको डेमोक्रेसी मिली, यही तो किसान चाहता है कि MSP की गारंटी दे दो। इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और 22 की हमारी तैयारी बूथ स्तर पर है। और बीजेपी की विफलता भी है और समाजवादी पार्टी की नीतियों की स्वीकारता भी है कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता स्वीकार कर रही है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की नीतियां अच्छी हैं बनस्पत बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की कथनी करने में भेद है। डेस्क रिपोर्ट, खबर UP Live।